नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं और यूट्यूब पे भी एक वीडियो डालते हैं कि आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर रोज़ाना वीडियो बनाते हैं। आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट मिलता है उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस भाई ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमियां रहें तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को शामिल कर लेंगे। सभी कमेंट मैं आपके देख लेता हूँ, रिप्लाई मैं आपको अगली वीडियो में मिल जाया करेगा। सरसों के बाज़ार में साथियों घबराहट किसानों को है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराने की जरूरत है, उसी विषय में मैं पहले चर्चा कर लेता हूं। घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपसे ज़्यादा व्यापारी के पास माल स्टोक कर रखा है उसने, क्योंकि सीजन में जाहिर सी बात है कि जो सरसों 6,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक जिस व्यक्ति ने स्टोक कर रखी है, आज वो 5,000-6,000 घूम रही है, यानी कि 1,000 से लेके 1,200-1,500 रुपये तक सरसों का नुकसान हो रहा है, अगर व्यापारी वर्ग अपनी आज फसल बेचे तो व्यापारी को यूँ लग रहा है कि अब तक तेज़ी आएगी, आने वाले समय में तेज़ी बढ़ सकती है। तो उसके अनुमान से भी अगर हम चलें तो सरसों का बाज़ार है वो तेज़ हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस कदर वर्तमान समय में सरसों पिछले 2 सप्ताह से मंदी चल रही है, और इस सप्ताह में भयंकर मंदी है, क्योंकि रोज़ 100 रुपये सरसों टूट रही है, और जैसे ही बाज़ार 100 रुपये टूट रहा है उसके साथ साथ क्या है, बाज़ार में बिकवाली ज़्यादा हो गई है। खरीदार जरूर कम हुए लेकिन बिकवाली बढ़ गई है, क्योंकि जिस किसान के यहाँ सरसों है उसे भय हो रहा है यार कल को कहीं ज़्यादा डाउन ना आ जाए, मर ना जाए, इसलिए वो अब अपनी फसल है वो बेचनी शुरू कर रहा है। दिन ब दिन जो कट्टे हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र में ये सर्च कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में जिन व्यापारियों ने सरसों को स्टॉक किया है वो अब अपनी बेचनी शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, विश्वास आपका तभी बनेगा जब आपको खुद को पता होगा। तो आपके क्षेत्र में, आपकी मंडियों में कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो सरसों का स्टॉक कर रहे हैं और वो अब अपनी सरसों निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, या ठंडे जमे पड़े हैं, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमें रोकनी है या बेचनी है। देखो, मैं आपको ये कहूँ कि रोको तो फिर दो भाई कमेंट में ये भी कहेंगे क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हो। खुद आप सर्च कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि जिस व्यक्ति ने 7,000 सरसों खरीदी थी वो व्यक्ति आज 6,000 में बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। जिस व्यक्ति ने उस समय 6,000 में खरीदी थी वो आज 5,700-5,800 में बेच रहा है नहीं बेच रहा, तो आपको पता चल जाएगा। आज सरसों के बाजार में तेल की मात्रा के, तेल की अगर मैं बात करूं तो तेल 2 से 3 रुपये तक टूटा है, कुछ एक जगह 5 रुपये पर लीटर के अनुसार टूटा है, जो कि भयंकर तेल में मंदी हुई है। कुछ साथियों का मानना यह है कि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने के कारण ये रिजल्ट डाउन के रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि चुनाव अभी समय है चुनावों में, और इस कदर ये इस तरह से नहीं हो रहा। हाँ, बड़े व्यापारियों ने ट्रायल करके देखा है कि अगर अपने 2-4 दिन सरसों न खरीदें या हम मंदी खरीदें तो उसका बाज़ार पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो मंडियां हैं वो बड़े व्यापारियों और बड़े बाज़ारों के अनुसार ही निर्भर करती है। आगरा, भरतपुर, जयपुर, ये जो चरखी दादरी, जो बड़े व्यापार जो कि मंडियां हैं सरसों की, वहीं से हमारी छोटी मंडियां हैं वो शुरू होती है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मेरा जो अनुमान है साथियों, सरसों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगले सप्ताह से आपको तेज़ी देखनी मिल सकती है अगर आप इंतज़ार करें तो। कल, हालांकि शनिवार है, कल मेरे विचार से तेज़ी नहीं होगी, और हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है तेज़ी नहीं होगी, और सोमवार के बाद आपको बाज़ार में पुनः तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर तेल की कीमतें कम हुई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो शायद तेज़ी ना बढ़े, अगर तेल की कीमतें और कम ना हुई तो जाहिर सी बात है तेज़ी आपको दोबारा देखने की मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कॉटन की फसल को लेके। कॉटन की फसल के भी साथियों, आज के जो बाज़ार भाव है वो कल के मुकाबले यूं कहूं कि सुनहरा तो नहीं है और डाउनफॉल में भी नहीं है, एवरेज कल वाले भाव ही आज रहे हैं। तो कुछ एक मंडियों के मंडी भाव आपके साथ शेयर करूं, और हालांकि जिस कदर नरमा चल रहा है हमें यूं लग रहा है कि नरमे में सुधार आगे बढ़ सकता है और नरमे का एक सुनहरा भविष्य है। आज
नया नरमा उकलाना में 10,000 रुपये, हनुमानगढ़ में आज नरमा का मुहूर्त हुआ है और 10,121 रुपये बिका। बट्टू में 9,500, आदमपुर में 10,100 रुपये, फतेहबाद में 9,400, ऐलनाबाद में 9,325, सिरसा 9,910, नरवाना 9,000 रुपये और जुलाना 9,400 रुपये, खेर 9,500 रुपये और नई कपास उकलाना में 8,990, आदमपुर में 8,700 और फतेहबाद में आपकी जो भी की है 8,355 रुपये बिकी है। असाड़िया की बात करूं तो आज मेड़ता सिटी में असाड़िया बिका आपका 7,000 रुपये, इसबगोल 16,800 रुपये, तारामीरा 4,930 रुपये और जीरा बिका 23,500 रुपये। लगभग वही एवरेज रही हैं जो कल बड़े बाजार की रही हैं। सूरतगढ़ मेरे मंडी के मंडी भाव की बात करूं तो गेहूं बिकी है साथियों 2175, सरसों 5,681 और ग्वार बिका 4,482। अमरावती महाराष्ट्र में आज नया नरमे की शुरुआत हुई है, नया नरमा बिका 10,001 रुपये और अगली जो मेरे पास मंडी है बुन्ना मंडी, बुन्ना मंडी में नरमा 9,650 रुपये, सरसों 5,200 रुपये, मूंग 5,300 रुपये। सिरसा मंडी में आज नरमा 9,111 रुपये, गवार 4,525, गेहूं 2,200 रुपये और 1,509 धान है 3,464 रुपये, जो कि नया धान आया वो भी कह साथियों। उसके बाद अगली मंडी है साथियों मेरे पास रायसनगर, रायसनगर में आज चना भी क्या आपका 4,320, सरसों 5,833 रुपये और गेहूं बिकी 2,165 रुपये और ग्वार 4,626 रुपये। उसके बाद आज रावतसर में मेथी 5,271 रुपये, सरसों 5,900 रुपये और ऐलनाबाद मंडी में आज नरमा 9,925, सरसों 5,952, गवार 4,380, चना 4,450, गेहूं 2,170, मूंग 5,900 और मूंगफली 4,450 रुपये बिके हैं साथियों। नौर मंडी की बात करूं तो नौर मंडी में आज गेहूं 2,194, मोठ 7,300 रुपये, मूंग 6,200 रुपये, सरसों 5,865, चना 4,481, ग्वार 4,671, अरंडी 7,230। क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है अरंडी की नौर मंडी। उसके बाद आज इंदौर में सोयाबीन का भी नए सोयाबीन का मुहूर्त हुआ जो कि बिका 4,111 रुपये और मंदसौर में आज नरमा बिका 11,111 रुपये। तो जो साथी बाकी के मंडी भाव जानना चाहते हैं उन साथियों से कहूँगा मेरे एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हो। रात्रि रोज़ाना 9 बजे फेसबुक पे हम लाइव आते हैं, उस लाइव में आप चर्चा में शामिल होके एक लंबी चर्चा में आप शामिल हो सकते हैं। जो साथी शॉर्ट रूप में वीडियो देखना चाहें वो यहाँ देख सकते हैं। बहुत सी मंडियों के मंडी भाव छूट गए हैं जो मैंने आपको नहीं बताए वीडियो लंबा होने के कारण, इसलिए वो बाकी के जो मंडी भाव हैं वो आपको एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान, शुभ रात्रि।